हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आज 12 तारीख है, अगस्त का महीना है और थोड़ा मानसून भी है। हम लोग घूमने जा रहे हैं महाबलेश्वर अगेन, और अब हम जो जा रहे हैं वो फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। और फिलहाल हम पुणे में हैं और पुणे से अब हम जाएंगे महाबलेश्वर। और जो पुणे की दूरी है यहाँ से महाबलेश्वर की, वो 125 किलोमीटर है। अभी हमें यहाँ से कुछ 2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में, और मौसम बहुत क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और चंदेल साहब अपनी ड्राइविंग पे हैं। पहुंच चुके हैं पंचगनी में, और एग्जैक्ट 2.5 घंटा लगा पुणे से पंचगनी पहुंचने में। फिलहाल वेदर बहुत मस्त है, अभी तक तो रास्ते में कहीं भी बारिश नहीं हुई थी, पर यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। लेट्स सी आगे क्या होता है प्रोग्राम में। फिलहाल अभी मैं आपको जब हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंचेंगे तो उसका भी व्यू दिखाऊंगी। हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, हम 2 दिन के लिए एक्चुअली जा रहे हैं, 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए जा रहे हैं हम लोग। बहुत प्यारा मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेट्स सी आज का कैसा रहेगा हमारा ट्रिप। तो दोस्तों, हम लोग ड्रीम वैली रिजॉर्ट में आए हैं, और ये काफ़ी इंटीरियर में है, पंचगनी के काफ़ी अंदर में है। तो जिन्हें अगर थोड़ा सस्ते बजट में चाहिए तो ये ड्रीम वैली रिजॉर्ट अच्छा ऑप्शन है। हम इससे पहले जहाँ रुके थे वो काफ़ी मेन रोड पे था, आप मेरा वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। बट ये वाला जो रिज़ॉर्ट है काफ़ी सस्ता लगा और ठीक ठाक है। यहाँ की सर्विसेज भी, खाना बहुत अच्छा है, आप अपने हिसाब से जो भी आप खाना बनवाना चाहते हैं बना के देंगे। अभी मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देती हूँ ड्रीम वैली फार्म हाउस के। वो ये है कि यहाँ पे पावर बैकअप की कोई भी सुविधा ऐसे नहीं है, अगर अचानक से लाइट चली जाए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है आपका दिन काटना। और दूसरी बात है इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंडोर एक्टिविटीज़ में आपको बेस्ट होगा कि आप अपने घर से ही खेलने वाली चीज़ें लेके आ जाए, जैसे अगर आप प्ले कार्ड्स खेलते हैं या छोटे बच्चे लूडो वगैरह खेलते हैं, तंबोला और डार्ट बो टाइप के गेम्स जिसमें वो एंड एरो, मतलब ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें की यहाँ पर फार्म हाउस में, क्योंकि हम पहले से ही ये सब प्रिपेयर करके लाए थे। तो कोशिश करिएगा आप भी ये सब कैरी करिएगा। बाकी आउटडोर में तो यहाँ पर सच कुछ नहीं है, स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं, स्विमिंग पूल यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ आप यहाँ पे अपना समर वेकेशन जब कभी आते हो समर में तो आप स्विमिंग इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल तो नहीं है पर ठीक ठाक है, मतलब बस अगर आप फ्रेंड्स के साथ आए हैं फैमिली के साथ थोड़ा बहुत चल कर सकते हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी स्विमिंग पूल एरिया नहीं है ये। और ये है ड्रीम वैली रिजॉर्ट का ये पीछे वाला व्यू, और ये यहाँ का व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। और आज के दिन यहाँ पर रक्षाबंधन है, तो कैसे बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही है, तो आज तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन भी हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये रूम रिजॉर्ट में, और मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, और हमारे साथ कुल 20 लोग हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन।
तो अभी कुछ 4 बज रहा है और हम देख रहे हैं कि अगर मौसम थोड़ा ठीक होता है, मौसम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो पता नहीं हम लोग घूम पाएंगे कि नहीं। वैसे भी मानसून का सीज़न है, अगर अच्छा नहीं रहा या जैसा भी है वो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल तब तक के लिए थोड़ा विराम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ अपने इस चैनल। अरे बाप रे, No.